Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. अम्मी ये जैकेट देखें, कितनी अच्छी है ना, मुझे ऐसी ही जैकेट चाहिए थी। प्लीज अम्मी हम इसे खरीद ले, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ना बेटा, एक सेकंड, पहले मैं देख लूँ जरा। हाँ है तो बहुत अच्छी, लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव है। इट्स ओके अम्मी, छोड़े इसे, मैं कोई और सी जैकेट ले लूंगा। इट्स ओके अम्मी, छोड़े इसे, मैं कोई और सी जैकेट ले लूंगा। नहीं भाई, हम वही जैकेट लेंगे जो हमारे बेटे को पसंद है। थैंक यू सो मच अम्मी। मैं इसे पहन कर दिखाता हूँ। वाकई ये तो सूट कर रही है तुम पे। मैं इसे कल राशिद की बर्थडे पार्टी में पहन कर जाऊंगा। अच्छा ना भाई, पहन लेना। मैडम आज हमारे लकी ड्रॉ का लास्ट डे है जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। अगर आप इसमें शामिल होना चाहती हैं तो ये कार्ड फिल करके इस बॉक्स में डाल दीजिए। अम्मी मेरे शूज कहाँ हैं? मैंने उठा के शू रैक में रखे हैं, वहां से ले लो। स्मार्ट लग रहा हूँ मैं। वाओ हारिस, बहुत ही अच्छी जैकेट पहनी है तुमने। थैंक यू, कल मैं अम्मी के साथ शॉपिंग पे गया था, वहीं से लाया हूँ। अरे आप लोग अभी तक यही हैं? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अम्मी हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, पर देखो ज्यादा देर मत करना। ठीक है अम्मी। आंटी अस्सलाम वालेकुम। कासिम भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चले कासिम भाई, देर हो रही है। क्या हुआ कासिम भाई? वो लगता है टायर पंचर हो गया है। तो अब क्या होगा? बेटा ये सामने ही दुकान है, दो मिनट में पंचर लग जाएगा। बेटा जरा देखना। बस अभी आया साहब। सुनो इतनी सर्दी हो रही है और तुमने सिर्फ ये टी शर्ट पहनी हुई है, क्या तुम्हें सर्दी नहीं लगती? हाँ सर्दी लगती तो है, पर क्या करूँ, मेरे पास कोई गर्म कपड़े ही नहीं है, बस इसी से गुजारा कर लेता हूँ, और जब ज्यादा सर्दी होती है तो काम पे नहीं आता। ये ले जी, हो गया। ये लो। कासिम भाई गाड़ी रोके। हाँ? क्या हुआ बेटा? गाड़ी रोकिए प्लीज। ये लो, ये तुम रख लो। ये तो आपकी जैकेट है साहब, मैं कैसे ले लूं? कोई बात नहीं, मेरे पास और भी हैं। ये तुम रख लो। हारिस वहाँ क्यों गए थे? और तुम्हारी जैकेट कहाँ है? जैकेट मैंने उस पंक्चर वाले बच्चे को दे दी। लेकिन तुमने क्यों दी? देखो फ्रेंड्स, हमारे पास तो गर्म कपड़े हैं पहनने के लिए, लेकिन उसके पास नहीं थे। अगर मैं उसे अपनी जैकेट नहीं देता तो उसे ठंड लग जाती, वो बीमार हो जाता। वेरी गुड हारिस, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पार्टी कैसी थी? हाँ अच्छी थी। हारिस तुम्हारी जैकेट कहाँ है? वो मैंने किसी को दे दी। क्या मतलब दे दी? अम्मी
राशिद के घर जाते हुए हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था और वो जो पंक्चर लगाने वाला बच्चा था उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे, इसीलिए मैंने जैकेट उसे दे दी, वरना वो बीमार हो जाता। शाबाश बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा काम किया तुमने। हाँ वाकई, अल्लाह ताला को वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, जैसे तुमने रखा। अम्मी आप नाराज तो नहीं है ना? अरे नहीं बेटा, ये नाराज होने वाली बात थोड़ी है, तुमने अच्छा काम किया। अब जाओ, जाकर चेंज करो और सो जाओ, सुबह स्कूल है। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। हारिस, आतिफ ने हमें बताया कि कल किस तरह आपने उस बच्चे की मदद की, और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहते हुए कि आपने हमारा और अपने वालदैन का नाम रोशन किया। मैं फख्र महसूस करती हूँ कि आप जैसा बच्चा हमारे स्कूल में है। बच्चों, हारिस ने हमें कुछ सिखाया है। क्या सिखाया है? कि नेक काम करने में जरा भी देर मत लगाओ। वेल डन हारिस, एक बार फिर हारिस के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारिस, तुम्हारे लिए कोई पार्सल आया है। पार्सल मेरे लिए? किसने भेजा है? बेटा देख लो ना, उस पर लिखा होगा। किसने भेजा है बाद में देख लेगा बहुरानी, खोल के तो देखो इसमें है क्या। हाँ? अम्मी इसमें तो वही जैकेट है। मैडम आज हमारे लकी ड्रॉ का लास्ट डे है जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। अगर आप इसमें शामिल होना चाहती हैं तो ये कार्ड फिल करके इस बॉक्स में डाल दीजिए। देखा हारिस, अल्लाह ताला नेकी का सला इसी तरह से दिया करते हैं।